अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दावत रेसिपीज़। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने बीन्स सैलड रेडी किया है। दावत में सबसे पहले जो चीज़ें मैं रेडी करती हूँ मैं आपको बताती हूँ, मीठा है और सैलड्स हैं। यहाँ पर बीन सैलड के लिए बॉइल्ड चने लिए, बॉइल्ड लोबिया लिया है, चॉप्ड कटा हुआ प्याज और मैंने ले लिया है खीरा। इन चीज़ों को मिक्स कर लिया है, अब मैं इसकी सॉस बना रही हूँ। उसके लिए यहाँ पर एक बाउल में मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून इमली का पल्प, 1 टेबल स्पून मेरे पास खट्टी मीठी खुबानी की चटनी थी वो ऐड की है, साथ में 2 या 3 टेबल स्पून केचप ऐड किया है, चाट मसाला ऐड किया है, 1/2 टीस्पून और विनेगर ऐड किया है। बस इतने से स्पाइसेस ऐड किए, इससे ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं करना। सॉसेज जैसे कि इमली का पल्प या आपके पास खुबानी की चटनी नहीं है तो ये ऑप्शनल है, मेरे पास थी तो मैंने ऐड की है। तो यहाँ पर अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं रैप करके रख दूँगी साइड पर मीन्स कि फ्रिज में, क्योंकि सैलड्स जो है ना रेडी करके मैं फ्रिज में ज़रूर देती हूँ, थोड़े थोड़े ठंडे भी होते हैं और अच्छे लगते हैं। अब आते हैं जनाब यहाँ पर रशियन सैलड की तरफ। तो जी, इसमें सबसे पहले बाउल में मैंने ऐड किया है बॉइल्ड मैक्रोनीस और कटी हुई बंद गोभी, बॉइल्ड आप देख सकते हैं मटर, बॉइल्ड गाजर डाइस कटिंग में, पाइन एप्पल्स ऐड किए हैं, आप चाहें तो एप्पल भी ऐड कर सकते हैं, इसमें वैरायटी है, आप चाहें तो बॉइल्ड आलू भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही अब मैं इसकी सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 to 4 टेबल स्पून टेट्रा पैक क्रीम, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून नेस्ले का दही ऐड किया, क्योंकि ये थिक होता है, अदरवाइज़ आपने दूसरा दही ऐड नहीं करना। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 या 3 टेबल स्पून मेयोस, काली मिर्च, नमक और चीनी ऐड की है। बस अकॉर्डिंग टेस्ट ऐड करनी है, ज़्यादा स्पाइसेस इसमें जाते ही नहीं है, इसमें भी वैरायटी है, चाहें तो बहुत सारे फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, वेजेज ऐड कर सकते हैं, नट्स ऐड कर सकते हैं, लास्ट में मैंने इसमें किशमिश ऐड कर दी थी, as you like। तो बस इसको भी मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि ये भी ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। तो सैलड्स तो मेरे दोनों बन गए थे। अब आते हैं जनाब मीठे की तरफ। मीठा बनाने के लिए मैंने बनाया है एक मीठा जो है मैंगो डिलाइट है, उसमें सिंपल मैंने मैंगो ऐड किया, कंडेंस मिल्क ऐड किया, क्रीम ऐड की और बीट कर लिया, लाइक कि ग्राइंड कर लिया। अब जो भी मेरे पास फ्रूट्स अवेलेबल थे आप देख सकते हैं, मैंगो के चंक्स हैं, पीच के चंक्स हैं, ग्रेप्स है और बनानास, इनको मैंने ऐड किया है। अब मिक्स फ्रूट कॉकटेल का एक टिन था, उसको मैं विद सिरप ऐड कर दूंगी, क्योंकि जो मैंने स्मूदी बनाई थी ना बहुत ही थिक थी, तो आप इसका जब फ्लेवर जाता है ना इसके जूस का, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाँ, अगर आप चाहें तो डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और बनाना फ्लेवर में मेरे पास जेलीज थी, जिनको ऑलरेडी मैंने बना लिया था, बस इनको रफ एंड टफ काट के ऐड करूँगी, थोड़ी सी मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। फिर आगे देखिएगा कि इसके टॉप पर मैं क्लियर दूँगी जेलीज की। तो मुझे ये लग रहा था कि आजकल के हिसाब से मैंगोज़ भी हैं, तो मैंगो का ठंडा ठंडा फुल चिल्ड मीठा जो है ना बनता है। और मैंगो डिलाइट सबको बहुत पसंद भी है, सब बहुत शौक से खाते हैं, और मज़े की बात बहुत ठंडी सी थी और मज़ा आ गया। इसमें आप चाहें तो बिस्किट्स की भी लेयर दे सकते हैं, बट मैंने वो ऐड नहीं किए, नट्स वगैरह, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी मेरे पास जो फ्रूट्स थे वो ऐड किए, बस अच्छी सी क्रीमी सी यमी सी हमारी ये जो स्वीट डिश है रेडी थी। अच्छा जी, मीठे में जो मैंने सेकंड रेसिपी बनाई थी वो थी ब्राउनी डिज़र्ट, और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सिंपल ब्राउनी बनाई, उसके क्यूब्स कटिंग कर ली, लाइक के ज़रूरी नहीं है बहुत छोटे छोटे चंक्स नहीं करने, बस यू नो डाइस कटिंग आप कर लें। और पहली लेयर मैंने दे दी है ब्राउनी की, दूसरी लेयर इस पर मैंने दे दी है चॉकलेट सिरप की, आप चाहें तो घर में बना लें या रेडीमेड यूज़ करें। तो यहाँ पर सिंपल मैंने कोको पाउडर ऐड किया था, फ्रेश मिल्क ऐड किया था, अकॉर्डिंग टेस्ट शुगर ऐड की थी, अच्छे से कुक कर लिया था। और जब इसमें थिकनेस आ गई तो मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया था 1 टेबल स्पून और फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के, तो ये चॉकलेट सिरप हमारा रेडी था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल मैंने ब्राउनी की लेयर दी, चॉकलेट सिरप की, अगेन बीट की हुई क्रीम जो है उसकी लेयर दी, तो यहाँ पर मेरी 2 लेयर्स अच्छी सी बन गई थी। तो ये हमारा जो ब्राउनी का डिज़र्ट है ना, ये भी बहुत लजीज था, सब ने बहुत शौक से खाया। और इसकी जो गार्निशिंग है वो आप देख सकते हैं मैं कैसे करूँगी।
डार्क चॉकलेट क्रश करके ऐड कर दी थी, साथ ही मैंने वाइट मिल्की चॉकलेट थी वो भी क्रश कर दी थी, और इसकी जो बाउंड्रीज़ है ना ब्राउनी को हाथ से मैंने चूरा सा बना लिया था, आप देख सकते हैं वो मैं बाउंड्रीज़ बना रही हूँ। तो ये मज़े का शानदार सा हमारा डेजर्ट रेडी था। अच्छा, बीच में मैंने थोड़े से स्वीट मेलन्स जो है वो ऐड कर दिए थे, सीड्स उसके, सॉरी, तो ये ना भी ऐड करें, इट्स ओके। तो इसमें मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत थी नहीं। तो जनाब ये था हमारा सेकेंड डेजर्ट, इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, और गर्मियों में जब आप मीठा बनाएं और वो ठंडा ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, कोशिश करें अच्छे से चिल्ड होना चाहिए। तो जनाब अब आते हैं अपनी बाकी की रेसिपीज़ की तरफ। सबसे पहले मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता, और उसको मैं बेक भी करूँगी, बहुत यमी बनता है। वन पॉट वाइट सॉस पास्ता है। यहाँ पर एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, 2 टेबलस्पून बटर ऐड किया है, और मैंने ले लिया था तकरीबन 2 टेबलस्पून ही लहसुन के चंक्स, और वो ऐड किए हैं, हल्के से सॉटे किए हैं। उसमें मैंने चिकन के चंक्स ऐड किए और डाइस कटिंग में मैंने गाजर ऐड किया है एक लार्ज साइज़। तो अच्छे से भुनाई करूँगी। इसमें भी जनाब बहुत सिंपल से स्पाइसेस जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टेस्ट काले मिर्च ऐड करूँगी, चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी, सफ़ेद मिर्च ऐड करूँगी, और हाँ चिकन पाउडर भी ऐड करते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर जब मुझे मेक श्योर हो जाएगा कि गाजरें जो है ना अच्छे से कुकड हो गई हैं, फिर मैं इसमें डाइस कटिंग शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, इनको भी सॉटे कर लूँगी। सॉटे करने के बाद अब इसी के अंदर हमने सॉस रेडी कर लिया है, उसके लिए 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून मैंने मैदा ऐड किया है, हल्के से मिक्स करके भुनाई कर लूँगी, फ़ौरन से मिक्स हो जाएगा सब्जियों में। तो अब सॉस कैसे बनानी है, थोड़ा थोड़ा सा हम फ्रेश मिल्क ऐड करेंगे, फ़ौरन से ज़्यादा नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, मिक्स करते जाएंगे ताकि मैदे के जो लंप्स हैं ना वो ना बनने पाएँ। तो यहाँ पर पहले मैंने थोड़ा सा फ्रेश मिल्क लाइक कि 1/2 लीटर ऐड किया है, मैंने देख लिया है कि इसके जो सिंपल लंप्स थे ना मैदे के वो ख़त्म हो गए, तो बकाया का जो फ्रेश मिल्क है वो भी मैं ऐड करूँगी। और इसमें तकरीबन जो गया था ना 1 लीटर और मज़ीद 1 कप मैंने ऐड किया था, और साथ में आप देख सकते हैं मैंने फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है, आप चाहें तो टेट्रा पैक क्रीम भी ऐड करें, और चीज़ के 3 बार्स ऐड कर दिए, और उनके बार्स को मैंने छोटा नहीं किया, बड़ा किया, ताकि ये जो चीज़ की लेयर है ना वो मुझे बड़े मज़े की लगती है। साथ ही आप देख सकते हैं मेरे पास थे पास्ता, मैंने उसको बॉयल कर लिया और वो ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर साथ साथ मिक्सिंग करते जाएंगे, और ये आप देख सकते हैं कि कितना ही क्रीमी रिच और स्मूथ सा इसका टेक्स्चर है। और यहाँ पर मुझे लग रहा था ना कि जैसे कि मिल्क थोड़ा सा और ऐड करना है, तो फिर मैंने 1 कप मिल्क और ऐड कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंगली जितना रिक्वायर्ड हो। तो बस बेक में इसको बाद में करूँगी, फिर वो मैं आपको दिखाऊँगी, अभी मैंने इसको साइड पे रखा था। आते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ वाइट कढ़ाई, सिंपल। उसमें मैंने प्याज को सॉटे किया 1/2 कप ऑयल में, फिर मैंने वो प्याज ब्लेंडर जार में ऐड किया, स्पाइसेस ऐड किए, बादाम ऐड किए, लहसुन अदरक ऐड किया, और 1 लार्ज साइज़ टमाटर ऐड किया, ब्लेंड किया, और आप देख सकते हैं मैंने फिर ऐड कर दिए। इसमें मसाले भी ऐड किए थे, जिसमें मैंने काली मिर्च ऐड की थी, सफ़ेद मिर्च ऐड की थी अकॉर्डिंग टू नमक, और मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड करके ब्लेंड कर लिया था। बस इसी मसाले में चिकन ऐड किया, उसकी अच्छे से भुनाई की, जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ तो इसमें मैंने 1 कप क्रीम और 1/2 कप दही ऐड किया है। मिक्सिंग कर रही हूँ, मिक्सिंग करने के बाद ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे रखूँगी, और दही के पानी और चिकन के अपने पानी में हमारी चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगी। तो उस टाइम तक कुक करेंगे जब कि ऑयल सरफेस पे आ जाए, ऑन एंड ऑफ बीच में चम्मच भी हिलाते चलाते रहेंगे। और ये आप देख सकते हैं चिकन कुक है, वेल टेंडर्ड है, और ऑयल भी सरफेस पर आ गया। तो जी ये हमारी झटपट बनने वाली वाइट कढ़ाई बहुत ही लजीज रेडी थी, और इसका फ्लेवर मज़ीद इनहेंस करने के लिए मैंने इसको दे दिया था स्मोक, जो कि 5 मिनट का, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्मोक दें चाहें तो स्किप कर दें, बट आप स्मोक देंगे तो इससे आपको टेस्ट में बड़ा फ़र्क लगेगा। तो जी अब मैं बना रही हूँ नेक्स्ट रेसिपी, जिसका नाम है नमकीन गोश्त, और ये मटन गोश्त मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है 1/2 कप ऑयल में, जैसे ही उसकी भुनाई हुई, सॉरी वो ब्राउन हो गया, तो मैंने इसमें मटन ऐड कर दिया है अराउंड 1 kg या उससे थोड़ा सा ज़्यादा था। तो बस अब मैं इसको जैसे ही मटन का कलर चेंज हुआ है ना भुनाई की है, तो इसमें मैंने ऐड कर दिए टमा
टमाटर 4 से 5 अदद, रफली काट के। अब इसमें स्पाइसेस बहुत ही कम जाते हैं, इसमें सिर्फ काली मिर्च जाएगी, सूखा धनिया जाएगा और नमक जाएगा। हरी मिर्ची ऐड करेंगे हम बाद में। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये कुक हो गया है, भुन चुका है। और अब इस पॉइंट पे मैं इसमें 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर रही हूँ और कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। मज़ीद बुनाई करूँगी, लास्ट में सूखी मेथी ऐड कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है ये ऐड करें, बट मुझे ये अच्छी लगती है, मैंने इसलिए ऐड की है। ये आप देख सकते हैं नमकीन गोश्त हमारा कितना अच्छा रेडी हुआ है, झटपट बनता है ये भी। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर बीफ चिल्ली, जो कि सबका मोस्ट फेवरेट है। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। जैसे ही वो सॉटे हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं बीफ को मैंने कैसे कटिंग की है। ये जूलियन कटिंग की है, फिंगर शेप में, साइज़ भी ऐसे ही है। तो ये ऐसे कटिंग तब होगी जब आपका गोश्त फ्रीज़र में हो, उसको जब आप निकालें तो वो मुकम्मल डिफ्रोस्ट नहीं होना चाहिए, उसका तकरीबन 50% या 60% वो फ्रीज़ ही होना चाहिए। देन आप इसकी जब तेज़ छुरी से कटिंग करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से इसके ये पारचे बन जाएंगे। तो यहाँ पर गोश्त को आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से भुनाई कर ली लहसुन अदरक में। अब मैंने इसमें ऐड कर दिए थे टमाटर 2 से 3 अदद। और इसमें स्पाइसेस कौन कौन से जाएंगे, इसमें हर तरह की चिली आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बीफ चिली है तो डेफिनेटली जाएगी। इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगे, रेड पेपर जाएगी, ब्लैक पेपर जाएगी, वाइट पेपर जाएगी। अच्छा ख्याल रखिएगा कि अकॉर्डिंग टेस्ट ऐड कीजिएगा काम, क्योंकि जब उनका कॉम्बो बनेगा तो ये ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। अब मैं इसमें 1/2 कप मैंने ऐड किया है केचप, 1 या 2 टेबल स्पून इसमें मस्टर्ड सॉस ऐड किया है, चिली सॉस, सोया सॉस, वेनेगर वो ऐड किया है, अच्छे से भुनाई कर ली है। अब आप देखें शिमला मिर्च भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और हरी मिर्च भी, जूलियन कटिंग, जैसे कि मैंने मीट की कटिंग की थी ना, एज़ इट इज़ हमने इसकी कटिंग करनी है और ऐड कर रही हूँ। अच्छा मैं तेज़ तेज़ इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने मतलब अगर बहुत स्लो बोलूँगी तो मेरी रेसिपी आगे निकल जाएगी और मेरी जो बोलती है ना वो बहुत पीछे रह जाएगी, तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि उसके साथ साथ चलूँ। और कैमरा भी जो है ना मैंने स्पीड मोड पे इसलिए कर दिया है ताकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, बस ये 15 से 16 मिनट्स की हो, इससे ज़्यादा क्रॉस ना हो। शामी कबाब की रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं आपको फिर कभी दूँगी, और ऑलरेडी भी दे चुकी हूँ ऑथेंटिक शामी कबाब, और वो आप मेरे चैनल पर देखिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। वो भी मैंने बना दिए थे, गोला कबाब भाभी ने बनाए थे, उसकी रेसिपी मेरे पास है मेरी अदर वीडियोज़ में, बट यहाँ पर नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर पास्ता को मैंने लास्ट फाइनल टच देना था, उसको बेक करना था, वो भी बेक हो रहा था। दूसरी तरफ अब आप देखें मैं ना साथ साथ अपना टेबल जो है ना डेकोरेट कर लेती हूँ, किस बर्तन में क्या डालना है, कहाँ उसको रखना है, वो सारी चीज़ें मैं सेट कर देती हूँ विथ स्पूंस, विथ प्लेट्स, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि इसकी भी जो प्रेजेंटेशन है ना बहुत अच्छी हो। ये मेरा एक ख़ास और इंटरेस्टिंग सा पार्ट होता है जब भी मैं दावत करती हूँ, मीन्स इतनी मेहनत से जब हम खाना रेडी करते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरी ये कोशिश होती है। तो अक्सर जब गेट टुगेदर होता है तो मैं बुफे सिस्टम ही रखती हूँ, वो इजी अप्रोच होता है, जिसका जहाँ दिल चाहता है इजी होकर अपना खाना इंजॉय करता है। तो जनाब अब आप देख सकते हैं ग्रीन चटनी की रेसिपी भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ इस बार, इसलिए मुझे लग रहा था कि इसको स्किप करूँ, लेकिन मेरी दावतों में ज़रूर होती है, क्योंकि मेरे भाई के लिए ये ख़ास तौर पर दावत थी और मम्मी अबू सबके मतलब बहन भाई सब ने आना था, तो बड़ा भाई जो है ना उसके लिए ख़ास तौर पर थी और उसको चटनीज़ जो है ना बहुत पसंद है। तो फिर मैंने बाकी की चटनीज़ भी रख दी थी क्योंकि वो बहुत शौक से खाता है। साथ साथ जहाँ जहाँ जो जो डिश थी और जिस जिस में जो जो मैंने आइटम ऐड करना था ना, मैं वो ऐड कर रही हूँ। तो जी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे, मेरे दिल के बहुत करीब मेरे गेस्ट आ गए थे, और बस सबसे पहले मैं उनको पाइनएप्पल जूस मैंने बना दिया था वो सर्व कर रही थी, और उसके बाद साथ साथ जैसे जैसे खाना रेडी हो रहा था वो भी रख रही थी, उनको भी इंटरटेन कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, सब ने फूड इंजॉय किया और गैदरिंग भी बहुत अच्छी थी। ये थे जनाब गोला कबाब जो कि भाभी ने स्पेशली बनाए थे मेरे अम्मी अब्बू के लिए, और मैं भाभी से कह रही थी कि मेरी इस दावत में आप भी स्पेशल गेस्ट हैं और आपने कुछ नहीं बनाना, बट ये उनकी मोहब्बत थी कि उन्होंने बनाए। और साथ में जनाब ये थी मेन रेसिपी बिरयानी और बर्मी बिरयानी। अच्छा इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको दूँगी, और ये बहुत लजीज बहुत शानदार बनती है। तो बस यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मेरा टेबल जो है ना रेडी था।
बस यहाँ पर खाने का टाइम स्टार्ट हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी दावत रही। और इस बार की तरह भी हम सब ने ये गैदरिंग बहुत इंजॉय की। खाना खाने के बाद फिर सब ने मीठा इंजॉय किया, गपशप लगाई खूब और बहुत अच्छा टाइम गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये था इंटरेस्टिंग सा व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दुआओं में रखिएगा याद। और अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।